नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। हम पीआई के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। पीआई के अंदर जनरल मेथड के बारे में डिस्कशन हो गया था, इक्की पावर ए एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कशन हो गया था। साइन ए एक्स और कोस ए एक्स के फंक्शन हैं तो उनके तीन मेथड बनते थे, उनके बारे में डिस्कशन हो गया था। आज स्टार्ट करते हैं एक्स की पावर एम का पीआई कैसे निकालेंगे, किसका निकालना है, एक्स की पावर एम का। तो इसके अंदर क्या करेंगे, पीआई के लिए एक्स की पावर एम जैसा कोई फंक्शन हो तो वन अपॉन में डी माइनस एल्फा एक्स की पावर एम प्लस माइनस एल्फा क्या करना है। सबसे पहले या तो किसी कांस्टेंट टर्म्स को या वो टर्म कॉमन लेंगे जिसमें d की सबसे कम पावर हो। यहां d प्लस माइनस एल्फा है, इसको किस फॉर्म में बनाना है हमें, इसको इस फॉर्म में बनाना है, 1 प्लस माइनस x की पावर n जैसा। यहां x क्या हो सकता है, x होगा यहां d। ओके, इस फॉर्म में इसको बनाना है, इसका एक्सपेंशन करना है, कुछ नहीं करना अपने को। यहां ये फॉर्म बनाने इसका मतलब 1 लिख करके आना है हमें, 1 और बाकी का फंक्शन d के अंदर होना चाहिए। तो यहां क्या कॉमन लेंगे, प्लस माइनस d कॉमन ले लेंगे और ये बनेगा हमारे पास में 1 प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस d की पावर 1 और x की पावर n। इसके बाद में क्या करते हैं, प्लस माइनस 1 अपॉन में अल्फा कॉमन ले लेंगे अपन, ये ऊपर जाएगा 1 प्लस माइनस डी की पावर माइनस 1 एक्स की पावर है। इसका इस फॉर्मूले से एक्सपेंशन करेंगे और इसके एक्सपेंशन के लिए इस डी की पावर कहां तक करेंगे, डी की पावर जितनी एक्स की पावर है वहां तक डी की पावर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। यदि डी एक्स की बात करें तो क्या आता है, 1, बट यदि डी टू एक्स की बात करेंगे तो क्या आएगा, 0। 1 का एक बार और डिफरेंशिएशन 0, डी क्यूब का करेंगे तो भी 0, डी की पावर 4 का करेंगे तो भी 0। जितनी एक्स की पावर है उतने ही डी की पावर तक डिफरेंशिएशन होता है, उससे ज्यादा है तो हमेशा 0 होता है। तो यहाँ डी का हमें कहाँ तक एक्सपेंशन करना है, विस्तार करना है, जहां तक कि एक्स की पावर एम हो। फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ एक्स की पावर 3 है तो हम डी क्यूब तक इसका विस्तार करेंगे, d की पावर 4 नहीं चाहिए, d की पावर 4 आएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो आगे के सारे 0 बनेंगे। कहां तक चाहिए, x की पावर जहां तक। ओके, एक्सपेंशन कर लेंगे। ऐसे ही यदि ये बने, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कुछ ऐसा बन गया, 3d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 5, तो क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, 1 अपॉन 5 कॉमन लेंगे और ये बनेगा 1 प्लस 3d स्क्वायर माइनस 5d अपॉन में 5 की पावर 1। फिर इसको ऊपर ले जाके इस पूरे को x मानेंगे और इसका एक्सपेंशन कर देंगे, और ज्यादा क्लियर होगा जब एग्जांपल्स देखेंगे। यदि इस प्रकार से हो, d की पावर 5 माइनस 3d क्यूब प्लस 2d 1 अपॉन में और इधर x की पावर कुछ भी हो तो क्या कॉमन लेंगे, d की सबसे कम, कहां है d की सबसे कम, 2d को कॉमन ले लेंगे। तो यहां से अपन 2d को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 1 प्लस d की पावर 4 माइनस 3d स्क्वायर बाई 2। d का डिवाइड करेंगे तो एक एक पावर कम हो जाएगी अपॉन में 2। इस पूरे को x मान लेंगे, इसका एक्सपेंशन कर देंगे, क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, 1 प्लस माइनस एन एक्स प्लस माइनस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस माइनस एन स्क्वायर। ओके, तो इस ये फॉर्मूला आप राइट कर लो, इस फॉर्मूले से इसके एक्सपेंशन करेंगे और ये
जितनी डी की एक्स की पावर है वहां तक डी की पावर कॉमन लेंगे, वो एक्स विस्तार करेंगे, और कॉमन क्या लेंगे, वो टर्म या पद कॉमन लेंगे जिसमें डी की सबसे कम पावर है। यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को ले लेंगे, यहाँ डी टू डी था तो टू डी कॉमन लिया अपन ने। ओके, तो या तो कांस्टेंट को कॉमन लेंगे या फिर डी की सबसे कम पावर को कॉमन लेंगे, ऊपर ले जाएंगे और इस फॉर्मूले से अपन उसका एक्सपेंशन कर देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। ओके, तो आज के एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल फर्स्ट, डी क्यू वाई डी एक्स क्यू माइनस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स डी वाई वाई डी एक्स इक्वल में वन प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वल में क्या आ गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसका निकालेंगे सीएफ, क्या निकालेंगे इसका सीएफ। तो सीएफ के लिए क्या करेंगे, सीएफ निकालना सीख चुके हम पहले के लेक्चर में काफी अच्छे से, यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं। इसको एम लिखेंगे, एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस सिक्स एम इक्वल में जीरो, एम पूरे में कॉमन है, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस सिक्स इक्वल में जीरो, एम इसके फैक्टर करेंगे तो बनेगा एम माइनस थ्री और एम प्लस टू इक्वल में जीरो। तो m के मान क्या आ गए, m का मान जीरो आ गया, थ्री आ गया, माइनस टू आ गया। ओके, ये m के मान आ गए, फैक्टर कर लेंगे, जानते हैं फैक्टर करना। तो cf का मान क्या आएगा, cf आएगा c1 e की पावर जीरो एक्स, c2 e की पावर थ्री एक्स, c3 e की पावर माइनस टू एक्स इक्वल में, हम जानते हैं किसी की भी पावर जीरो होती है उसका मान वन होता है। तो C1, C2 e की पावर 3x, C3 e की पावर माइनस 2x, ये आ गया इसका CF, इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं PI की, PI के लिए क्या करते हैं, इसको नीचे लिखेंगे तो 1 अपॉन में d क्यूब माइनस का d स्क्वायर माइनस का 6d 1 प्लस x स्क्वायर। चाहो तो वन का आप e की पावर जीरो से कर लो या फिर इस वाले फॉर्मूले से, एक्सपेंशन तो करना ही पड़ेगा तो इस वाले से ही कर लेंगे, या इसको अलग अलग करके e की पावर जीरो एक्स रख के भी कर सकते हैं, बट e की पावर जीरो एक्स यहां रखेंगे तो वही है, इसके अंदर d को कॉमन लेना पड़ेगा फिर करना पड़ेगा, इसी से कर लो आप, सिंपल रहेगा। क्या लेते हैं, डी की सबसे कम पावर क्या है, माइनस का सिक्स डी कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन में माइनस सिक्स डी कॉमन लिया, क्या बच गया, ये तो 1 माइनस कॉमन ले रहे, क्या ले रहे हैं माइनस, तो इसके बाहर माइनस आएगा डी स्क्वायर माइनस डी अपॉन में 6, और क्या है फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या किया हमने यहां से माइनस सिक्स डी कॉमन ले लिया। ओके, तो ये तो बच गया प्लस का 1, 1 माइनस ले रहे तो इसके बाहर माइनस आएगा, और इसमें सिक्स डी का डिवाइड करेंगे तो डी से इसकी एक एक पावर कम हो गई और ये सिक्स आ गया इसके नीचे, ठीक है, और ये फंक्शन है जी वन अपॉन में माइनस सिक्स डी है जी टी, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा वन माइनस डी स्क्वायर माइनस डी बाई सिक्स का इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। हमें d की पावर कहां तक चाहिए, x की स्क्वायर है मतलब दो d तक चाहिए हमें, मतलब d स्क्वायर तक, तो इसका d स्क्वायर तक एक्सपेंशन कर देंगे 1, अभी फॉर्मूला लिखवाया था ये इससे मल्टीपल में होगा तो प्लस d स्क्वायर माइनस d बाई सिक्स, फिर n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, तो n क्या है प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस टू फैक्टोरियल टू, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल टू एक्स का स्क्वायर, ये माइनस है स्क्वायर में तो पॉजिटिव बन जाएगा,
डी स्क्वायर माइनस डी बाई सिक्स का होल स्क्वायर प्लस एन सो वन प्लस एक्स स्क्वायर। आगे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आगे जो भी करेंगे वहां डी की पावर थ्री मिनिमम होगा, हमें नहीं चाहिए, हमें डी स्क्वायर तक चाहिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो ये बनेगा माइनस का वन बाई सिक्स डी वन माइनस डी बाई सिक्स प्लस डी स्क्वायर बाई सिक्स। ये फैक्टोरियल टू से टू कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, हमें क्या चाहिए केवल डी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, डी की पावर फोर नहीं चाहिए, आपस में मल्टीपल करेंगे डी क्यूब नहीं चाहिए, केवल इसका स्क्वायर आएगा। तो क्या जाएगा हमारे पास में डी स्क्वायर बाई इस सिक्स का भी स्क्वायर बनेगा 36 प्लस एन सोन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसके अंदर अपन ने क्या किया, इसका स्क्वायर करेंगे तो डी की पावर फोर बनेगा, ये बनेगा डी की पावर फोर बाई 36 प्लस डी स्क्वायर बाई 36 माइनस का डी क्यू बाई 18। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर है तो डी स्क्वायर तक चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, केवल ये चाहिए था, तो लिख लिया। आगे भी डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं, जो टर्म चाहिए वो लिखते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। माइनस का वन बाई सिक्स डी, इसको मल्टीपल करेंगे वन से तो क्या जाएगा पूरा वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीपल करेंगे इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है, तो माइनस का वन बाई सिक्स। अब डिफरेंशिएशन, वन का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा टू एक्स प्लस वन बाई सिक्स। ये क्या कह रहा है, इसका टू टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करो, वन का तो जीरो बन गया, जीरो का जीरो होगा, एक्स स्क्वायर का एक टाइम टू एक्स, फिर दोबारा करेंगे तो टू। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा माइनस का वन बाई सिक्स डी वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बाई थ्री प्लस का वन बाई थ्री। इसको थोड़ा सा और देखेंगे तो ये आ गया हमारे पास में माइनस का वन बाई सिक्स डी, ये वन और ये वन बाई थ्री क्या बन जाएंगे फोर बाई थ्री, फोर बाई थ्री यहां एक्स स्क्वायर और यहां पे माइनस का एक्स बाई थ्री। बाहर क्या है, माइनस का वन बाई सिक्स डी, बता रखा है कि नीचे डी होता है, इसका मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस वन बाई सिक्स, इस फोर बाई थ्री का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या बनेगा फोर बाई थ्री एक्स, इसका एक्स क्यूब बाई थ्री, इसका एक्स स्क्वायर बाई टू और थ्री है तो सिक्स। तो पी आई का मान क्या आ गया हमारे पास, पी आई का मान आ गया माइनस का टू बाई नाइन एक्स, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब बाई 18, इसको इससे करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 36। इसको दे देंगे इक्वेशन सेकेंड, वाई का मान क्या आता है, वाई का मान होता है सी एफ प्लस पी आई, इसको इसको ऐड कर देना और इसका सॉल्यूशन आ जाए। ओके, तो ऐसे हम एक्स की पावर एम का जो डिफरेंशियस में होते हैं तो उसका पी आई निकाल लेते हैं, उसका एक्सपेंशन करेंगे, जितनी एक्स की पावर होगी उतने डी की पावर तक उसका एक्सपेंशन करके मान निकालें। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड, डी की पावर फाइव बाई डी एक्स की पावर फाइव माइनस डी वाई वाई डी एक्स इक्वल में टू एफ ई की पावर एक्स प्लस एट साइन एक्स माइनस टू एक्स। ओके, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, डी की पावर फाइव बाई डी एक्स फाइव माइनस डी वाई वाई डी एक्स इक्वल में टू एफ ई की पावर एक्स प्लस एट साइन एक्स माइनस टू एक्स। तो पहले इसका सी एफ निकाल लें, सी एफ के लिए क्या करेंगे, एम की पावर फाइव माइनस एम इक्वल टू जीरो, m कॉमन लेंगे m की पावर 4 माइनस 1 इक्वल में 0, m फैक्टर करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में 0, और फैक्टर करेंगे तो m माइनस 1 m प्लस 1
इसके बनेंगे m प्लस आयोटा m माइनस आयोटा इक्वल में जीरो। काफी निकाल चुके सीएफ वाले लेक्चर में हमने, तो m है जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा, तो इसका सीएफ क्या बनेगा, सी वन e की पावर जीरो का मान वन हो जाएगा, सी टू e की पावर x, सी थ्री e की पावर माइनस एक्स प्लस सी फोर कोस एक्स सी फाइव साइन एक्स। ये हम सीएफ वाले लेक्चर में अच्छे से सीख चुके कि किसी का सीएफ कैसे निकालते हैं। आज हम मेन बात करते हैं पीआई की, तो पीआई के अंदर इसका पीआई निकालना है हमें, तो क्या करेंगे इसको नीचे लिखेंगे वन अपॉन में डी की पावर फाइव माइनस डी ट्वेल्व ई की पावर एक्स प्लस एट साइन एक्स माइनस टू एक्स। ओके, अभी क्या किया था हमने, वन था तो कर लिया था क्योंकि वन को भी हम x की पावर जीरो लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट टर्म का x की पावर m से भी बन सकता है और e की पावर जीरो x रख के भी कर लेते हैं, जैसा कि पहले किया था e की पावर जीरो x रख के, और आज हमने x की पावर m वाले पैटर्न से इसको किया। साइन x का वही पैटर्न है तीन, e की पावर x की वही पैटर्न है दो, उन पैटर्न से इसका करेंगे और इसका जो आज पढ़ रहे हैं उससे करेंगे, तो अलग अलग इनको सेपरेट कर लेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में वन अपॉन में, तो ट्वेल्व तो कांस्टेंट है इसको तो बाहर कर देंगे, वन अपॉन में डी की पावर फाइव माइनस डी ई की पावर एक्स। ओके, इसको इसके साथ लेंगे, इसको इसके साथ लेंगे, इसको इसके साथ लेंगे, तो ये आ गया नेक्स्ट अपने पास में एट वन अपॉन में डी की पावर फाइव माइनस डी साइन एक्स। अब इसको इसके साथ में लेंगे तो माइनस का टू बाहर, वन अपॉन में डी की पावर फाइव माइनस डी और ये एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, देखो ये कहता है कि इसकी जगह आप मान रख दो, डायरेक्ट डायरेक्ट मान रखेंगे वन, तो वन माइनस वन जीरो बन गया, इसका मतलब वो फैक्टर अलग करो जिसमें डी माइनस वन है, डी माइनस वन ये रहा, बाकी को अपन साथ में लिख सकते हैं, तो बाकी को हम क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे 12 वन अपॉन में डी माइनस वन को तो किया बाहर, बच गया क्या ये डी, यहां से डी प्लस वन, और इन दोनों के आयता नहीं लिखना हमें, इन दोनों का ये रूप लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस वन क्या है ई की पावर एक्स प्लस एट, बता रखा है साइन एक्स है, साइन एक्स में क्या करते हैं डी स्क्वायर की जगह, डी स्क्वायर की जगह क्या करेंगे माइनस ए स्क्वायर, डी की पावर फाइव है, डी की पावर फाइव को क्या लिख सकते हैं डी की पावर फोर इंटू डी, इसका मतलब माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी लिखेंगे। आ जाओ एक्स का कोफिशियंट वन, वन का स्क्वायर वन, उसका नेगेटिव माइनस वन, यहां माइनस वन रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस का वन, तो क्या आ गया हमारे पास में मान डी माइनस टी, इसका मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे जीरो बन रहा है, इसकी जगह वैल्यू रखेंगे तो क्या आ गया हमारे पास में इसका मान भी डी बन गया और ये भी डी है तो ये जीरो बनेगा, तो पहले इसको भी सेपरेट करना पड़ेगा, वन अपॉन में डी को कॉमन लिया और ये बच गया डी की पावर फोर माइनस वन साइन एक्स, माइनस का टू, यहां भी हम क्या करते हैं जो सबसे कम पावर होती है उसको कॉमन लेते हैं, तो माइनस डी कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और इसको ऊपर भी लेके जा रहे हैं तो वन माइनस डी की पावर फोर की पावर माइनस वन एक्स। ओके, ये बन गया हमारे पास में, इसको ऊपर ले गए इनवर्स बन गया एक्स बन गया, इसके बाद में इसको सोल्व कर इसके बाद में ये है हमारे पास में, देखो e की पावर x के अंदर क्या करते हैं ये जीरो बन रहा है इसमें तो रहने दो, बाकी सब जगह d की जगह वन रख दो, 12 वन अपॉन में d माइनस वन e की पावर x अपॉन में यहां वन रखेंगे वन, यहां वन रखेंगे टू 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 और टू फोर, यहां एट वन अपॉन में डी डी स्क्वायर माइनस वन है तो
इस डी का मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका तो इंटीग्रेशन कर दो आप, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा एट साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स, वन अपॉन में डी स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर प्लस वन कोस एक्स प्लस का टू अपॉन में डी, इसका एक्सपेंशन कहां तक करेंगे एक्स तक, मतलब केवल वन टर्म ही होगी इसमें, बाकी सभी में डी की पावर फोर डी की पावर एट आएंगे, तो दो तक तो अपन बताएंगे वन प्लस डी की पावर फोर इंटू एक्स, ओके दो तक तो बताएंगे अपन, वन नहीं लिखेंगे, ट्वेल्व बाई फोर ई की पावर एक्स, ये क्या है इसकी पावर देखो कितनी है वन है, तो एक्स ई की पावर एक्स आ जाएगा, एक्स की पावर आर फैक्टोरियल आर वाले फॉर्मूले से ई की पावर एक्स में करवा रखा है, वहां देखिए इसका सी एल कोस एक्स के अंदर क्या करते हैं, देखो कोस एक्स के अंदर यहां पे आओ, यहां हम मान रखेंगे एक्स की जगह माइनस वन, तो ये जीरो बन रहा है इसमें तो रख सकते हैं ना, तो इसके अंदर अपन क्या रखेंगे डी स्क्वायर जगह माइनस वन रखेंगे, तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गए, ये बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा अपने पास में माइनस वन, यहां रखें माइनस का टू, इसको कैंसिल करेगा फोर वन अपॉन में डी स्क्वायर प्लस वन कोस एक्स प्लस टू अपॉन में डी, इसको करेंगे तो एक्स ही बचेगा, ये डी की पावर फोर है इसको जीरो बना देगा, फोर को इससे कैंसिल करेंगे थ्री एक्स ई की पावर एक्स प्लस फोर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रखा है, क्या बनेगा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका बनेगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस एक्स होता है, कोस का इंटीग्रेशन क्या बनेगा साइन एक्स, एक्स अपॉन में टू ए, टू ए क्या है टू प्लस, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है तो टू एक्स स्क्वायर बाई टू, साइन कोस में करवा रखा है आपको, फॉर्मूला लिखवा रखा है इसका, ये फॉर्मूला बताया था आपको, ये बनेगा थ्री एक्स ई की पावर एक्स प्लस टू से कैंसिल होगा टू एक्स साइन एक्स, टू से टू कैंसिल एक्स स्क्वायर, इसको दे देंगे इक्वेशन सेकेंड, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो इसमें इसको ऐड कर देंगे और हमारे पास में इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, ओके। तो ये एग्जांपल सेकेंड था जिससे हमने अलग अलग फंक्शंस हैं e की पावर x sin x x है उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखा, और यहाँ हमारे पास में सी एफ भी रिपीट हुआ, e की पावर x भी रिपीट हुआ, sin x का भी रिपीट हुआ, और ये x चल रहा है, ऐसे आगे भी हम करेंगे तो सारे रिपीट होंगे, तो किसी को भी अपने ने छोड़ना नहीं है, सभी को जो भी उनकी जनरल प्रोसेस है उस प्रोसेस को समझना है और उनका आगे यूज करना है, ओके। तो लास्ट तक हमारे पूरी बुक के अंदर ये फॉर्मूले बनेंगे, तो इनको अच्छे से करो आप, यूनिट सेकंड पे ज्यादा कमांड करो ताकि यूनिट थर्ड यूनिट फोर्थ इजी बने और उसी से अपनी यूनिट फाइव भी इजी बन पाए, और आज का जो लास्ट है एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एग्जाम्पल है, और इससे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाओगे। एग्जाम्पल थर्ड है डी की पावर फोर बाई डी एक्स फोर टू डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब थ्री डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ई की पावर टू एक्स फोर साइन एक्स, ओके वही क्वेश्चन है अभी जैसा किया था, ज्यादा कुछ है नहीं, ई की पावर एक्स आ रहा है उसमें भी था एक्स स्क्वायर आ रहा है साइन एक्स, सभी एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, तो आप इजीली कर पाओगे उनको। सी एफ निकालेंगे इसका, ये बनेगा एम की पावर फोर माइनस प्लस टू एम क्यूब थ्री एम स्क्वायर जीरो, एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एम स्क्वायर टू एम माइनस थ्री जीरो फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास में एम प्लस थ्री एम माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो एम बराबर जीरो जीरो वन और माइनस थ्री, ये एम के मान आगे
तो सी एफ क्या बनेगा, सी एफ बनेगा सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर जीरो एक्स, दो बार रिपीट हो रहा है, सी थ्री ई की पावर एक्स, सी फोर ई की पावर माइनस एक्स। फाइनली सी एफ का मान क्या आ गया, सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर एक्स प्लस सी फोर ई की पावर माइनस एक्स, ये आ गया सी एफ का मान। इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे इसका निकाल लेंगे पी आई। पी आई के लिए क्या करेंगे, वन अपॉन में लिखेंगे डी की पावर फोर प्लस टू डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ई की पावर टू एक्स प्लस फोर साइन एक्स। अभी जैसे क्या था वैसे इसको सेपरेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे ले रहे हैं तो इसकी सबसे कम पावर को कॉमन ले लो, वन अपॉन में थ्री डी स्क्वायर, वो भी कैसा माइनस का, कॉमन ले लेंगे, बचे हुए को ऊपर भेज देंगे, ये वन बनेगा, बाकी के बाहर माइनस आएगा, डी स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे तो बनेगा डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का करेंगे तो डी अपॉन में थ्री, और ये इसका इनवर्स। ऐसे इसमें करेंगे तो थ्री बाहर है, कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन में डी की पावर फोर टू डी क्यूब थ्री डी स्क्वायर ई की पावर टू एक्स, ऐसे लास्ट वाली टर्म फोर साइन एक्स वाली, फोर को ले लो कॉमन, फोर कॉमन ले लिया, वन अपॉन में डी की पावर फोर टू डी क्यूब थ्री डी स्क्वायर और ये साइन एक्स, ठीक है, सबको सेपरेट कर दिया। अब इसके आगे सॉल्व कर लेंगे इसको, इसका एक्सपेंशन कहां तक करना है, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर तक इसका एक्सपेंशन करना है, तो ये बनेगा माइनस का वन अपॉन थ्री डी स्क्वायर वन प्लस डी स्क्वायर बाई थ्री टू डी बाई थ्री। ओके, एक बार कर लिया, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो अभी देखो किया था अपन ने, इसका स्क्वायर करेंगे तो डी की पावर फोर बनेगा, नहीं चाहिए, इसका करेंगे डी स्क्वायर चाहिए, आपस में मल्टीपल करेंगे डी क्यूब नहीं चाहिए, तो केवल इसका स्क्वायर कर लो, फोर बाई नाइन, फोर बाई नाइन और ये डी स्क्वायर प्लस एन सो बाहर एक्स स्क्वायर, ठीक है, कहां तक किया हमने, केवल डी स्क्वायर पे कर दिया। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए डी की जगह डायरेक्ट टू रखते हैं, यदि जीरो नहीं बनता, डी की जगह टू रखेंगे तो टू की पावर फोर सिक्सटीन, टू की पावर फोर सिक्सटीन और टू का स्क्वायर फोर और ट्वेल्व, नहीं जीरो बनेगा तो डायरेक्ट मान रख दो इसका, प्लस थ्री अपॉन में सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व ई की पावर टू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस वन रख दो, प्लस फोर साइन एक्स अपॉन में, या माइनस वन रखेंगे, माइनस वन का स्क्वायर वन बनेगा, प्लस या माइनस वन रखेंगे तो ये बनेगा माइनस का टू डी, डी स्क्वायर की जगह माइनस वन रखेंगे, यहां माइनस वन रखेंगे तो प्लस का थ्री बन जाएगा। इसको आगे और सोल्व कर लेंगे, तो माइनस का वन अपॉन थ्री डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको टू टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा टू बाई थ्री, इसका वन टाइम तक डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा फोर एक्स बाई थ्री, इसका टू टाइम्स तक करेंगे तो बनेगा एट बाई नाइन। इसका मान बन ही गया हमारे पास, 16 में सिर्फ 12 है तो 4 20 3 बाई 20 e की पावर 2x, इसका मान 4 साइन x अपॉन में 1 और 3 4 4 माइनस 2। ओके, ये बन गया। अब इसके आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे इसको, यहां देखो
डी स्क्वायर है तो पहले इसको कर ही लो आप, माइनस का 1/3 डी स्क्वायर मतलब 2 times तक इंटीग्रेशन करोगे तो 1 times तक करेंगे तो ये बनेगा 1/3 डी। एक बार कर लो आप x³/3 इसका करोगे तो 2/3 x इसका करोगे तो ये x²/2 आएगा, इसको कैंसिल करेगा 2/3 x²। इसका करोगे 8/9 x। ये हमारा कंप्लीट है 3/20 e^2 x। ये हमारा कंप्लीट नहीं है, 2 कॉमन लेंगे हम, -2 ले लो कॉमन तो माइनस का 2 बच जाएगा, 2 इसको कैंसिल करेगा और ये बनेगा हमारे पास में 1/(d-2sin x। ओके, अब इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1/3 x^4/12 बन जाएगा, x²/3 बच जाएगा, 2x³/9 बनेगा, x²/2 इसको कैंसिल करेंगे 4/9 x² आ जाएगा। ये कंप्लीट है 3/20 e^2 x। इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, d+2 / d-2 d+2 sin x। इसको आप सेपरेट कर लो तो माइनस का 1/3 x^4/12 2/9 x³। ये x² ये x² एलसीएम 9 ले लेंगे तो 3 और 4 7 7/9 x² यहां 3/20 e^2 x माइनस का 2 ये बनेगा d+2 / d²-4 sin x। अब इस ये तो है ही, यहां से केवल इसको और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 2d+2 d² का क्या रखें, माइनस का 1 -1 और माइनस के 4 क्या बन जाएंगे, -5 sin x। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 2/5। डी का मतलब साइन का एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आएगा कोस एक्स, इसका मतलब डायरेक्ट मल्टीपल कर दो 2 sin x। तो इसको आप इनके साथ में लिख देना प्लस करके और जो मान आएगा उसको सीएफ में जोड़ देना और इसके वाई का टोटल मान दे। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने x^m के जो फंक्शन थे उनके सीएफ के बारे में कैसे सीखा। आगे 2 मेथड और है मल्टीपल वाले कि उनको कैसे सोल्व करेंगे, वो एक एक लेक्चर में हम कर लेंगे उनको कंप्लीट। ओके, थैंक यू।